Hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel, Mentor Engineer. So today we are going to discuss in this video about the Haryana NEET UG 2020. So let's dive in. So we are going to discuss in this video about the cutoff, category wise cutoff. We are going to discuss about the fees structure and the seat matrix. बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो हरियाणा स्टेट में है इसमें आपके पास टोटल जो है 10 जो है आपके पास मेडिकल कॉलेजेस हैं और 6 आपके पास जो है डेंटल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 5 आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 1 अनएडेड आपके पास मेडिकल कॉलेज है और ये आपके पास 4 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ठीक उसी तरीके से अगर आप बात डेंटल कॉलेजेस की करें तो 1 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस है और 5 आपके पास प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं। ठीक है, आज सबसे पहले हम बात करते हैं उन टॉप 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, उनकी हम सीट मैट्रिक्स की और कॉलेजेस की बात करते हैं। तो देखिए अगर आप टॉप इन 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की करें जो कि आपके स्टेट ऑफ हरियाणा में है, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है वो आपके 600 होती है। ठीक है, जिसमें से आपके पंडित बी डी शर्मा BBS वुमेन कॉलेज जो कि सिर्फ वुमेन्स लोगों के लिए है, फिर शहीद हसन खान है और उसके बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, फिर ESIC आपका मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में है। अगर इनके फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 52,000 के अप्रॉक्सीमेटली इसकी फ़ीस होती है। फिर हम हमारे पास एक अनएडेड मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, जो कि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है कंपेरेटिव टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वजह से, तो इसका कट ऑफ ही ज़्यादा जाता है, प्लस इसकी इनके यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो इनकी जो फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1.80 लाख, मतलब 1,80,000 रुपये की जो है आपके एनुअली जो है फीस जाती है। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की करें तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 2 कॉलेजेस आपके जो है हरियाणा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं और 2 कॉलेजेस आपके पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। जो आपके जो 2 कॉलेजेस जो हरियाणा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 18 लाख रुपीज़, और जो बचे हुए जो 2 कॉलेजेस हैं जो कि पंडित बीडी शर्मा से जो एफिलेटेड है उनकी जो एनुअल जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, और मैंने एक आपको पहले ही बता चुका है कि डेंटल कॉलेजेस की अगर बात करें तो 1 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है और 1 आपके पास बचे हुए 5 जो है वो प्राइवेट जो है डेंटल कॉलेजेस हैं। ये तो रही बात सीट मैट्रिक्स की, अब हम सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर की अब जो है मेन डिस्कस करते हैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। देखिए बच्चों चूँकि क्या है इसमें 2 तरीके से आपका जो है सिलेक्शन होता है हरियाणा में, एक होता है आपका ऑल इंडिया कोटा बेसिस में जिसमें किसी भी अदर स्टेट के ऑल इंडिया जो कोटा से जो है कोई भी बच्चा जो अदर स्टेट का जो है हरियाणा में ले सकता है एडमिशन, दूसरी बात वो होती है आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए आपको ज़रूरी है आपके पास क्या होना चाहिए, उसके स्टेट की जो है आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में थ्रू द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट कोटा अदर स्टेट के बच्चे जो है ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात अगर 2019 की करें तो अगर कट ऑफ को देखा जाए तो दोनों का जो वेरिएशन रहा है कट ऑफ का, चाहे बात ऑल इंडिया कोटा की करें चाहे स्टेट कोटा की, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं गया। जैसे अगर आप बात जनरल कैटेगरी करेंगे तो 591 के अप्रॉक्सीमेटली जो है कट ऑफ गया दोनों के लिए, आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए, सिमिलरली फॉर किसके लिए जनरल कोटा के लिए मैक्सिमम गया आपका 645। तो अब हम बात करते हैं कि 2020 में आपकी एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ क्या रहेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 590 प्लस का आप क्राइटेरिया लेके चलिए मिनिमम। उसी तरीके से अगर आप बात OBC कैटेगरी या BC कैटेगरी की बात करते हैं तो आपके पास 540 प्लस का क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर हम बात SC कैटेगरी के करें बच्चों तो आपके पास 470 प्लस का क्राइटेरिया होना चाहिए। उसी तरीके से हम बात EWS कैटेगरी की करें तो 580 प्लस, और अगर PH कैटेगरी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उनको आप मान के चलिए 145 प्लस मार्क्स तो लेके ही आना है। ये जितने भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया वो मैंने बताया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो कॉलेज है आपका जो अनएडेड मेडिकल कॉलेज है वो है आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। तो इसके बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कट ऑफ को लेकर, चूंकि मैंने पहले ही बताया इसका फीस स्ट्रक्चर लो होता है कंपेरेटिव टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्लस इनका पढ़ाई भी जो है बहुत अच्छी है यहाँ की, इसलिए यहाँ का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। देखिए अगर हम जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर 2020 के कट ऑफ को लेकर चलें तो आप मान के चलिए आपको 580 प्लस स्कोर करना है। अगर आप BC कैटेगरी से तो 540 प्लस, और SC कैटेगरी से तो आप मान के चलिए आपको 460 प्लस कैटेगरी जो है कट ऑफ रहेगा। अगर आप बात EWS कैटेगरी की करें तो आप मान के चलिए 580 प्लस रहेगा, क्योंकि
पिछले साल EWS को लेकर बहुत सारे इशू हुए थे, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो आप उसको 580 का जो है आप अप्रॉक्सीमेटली लेके चलिए फ्रॉम द राउंड फिगर, ठीक है। महाराजा अग्रसेन की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरीके से देखिए बच्चों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो जो हमारे ये जो हरियाणा यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो कॉलेजेस जो कि उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जाता है, तो उनकी जो कट ऑफ रहती है वो थोड़ी कम जाती है, जैसे कि 360 से 440 के बीच में जाती है जनरल कैटेगरी की, और मैनेजमेंट कोटा की अगर बात करें तो 200-250-300 के रेंज में भी जो है एडमिशन वहाँ पर मिल जाता है। सो दिस आर द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको जो है मोटिव ये बना के चलना है कि आपको जो है कम से कम जो है 600 का आपको जो है बेंचमार्क लेके चलना है फॉर गेटिंग गुड मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर नीट 2020। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इवन दो यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस नीट कट ऑफ, यू कैन फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड वी विल प्रोवाइड यू आंसर एज सून एज वी कैन। सो दैट्स ऑल, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन, बाय बाय।